नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं लेखा सत्र का 1101% रियल वाला पेपर। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा है और आपके दिमाग में सही आया, ये हमारा 1101% रियल वाला पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा पहला सही विकल्प देखिएगा, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें रसा वाला 6% वार्षिक। उसके बाद हमारा दूसरा देख लेगा ख्याति है, तो ख्याति हमारा बा वाला एक स्थायी संपत्ति हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा देख लेगा, नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला बावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। उसके बाद चौथा आपका देख लेगा, अविभाजनी कोष कौन सा होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला मूल्यह्रास कोष होता है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पांचवें हमारा जो दिया है, इसमें हमारा 6% बा वाला हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा दिया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा, छठे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बस सा वाला, ठीक है, रोकर खाता। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दो दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खालिस्तान के आंसर अच्छे से लगा लीजिएगा, मैं आपको खालिस्तान के आंसर अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे कि हमारा पहला दिया, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष खालिस्तान रहता है। इसमें आपको लिखना होगा बदलता, क्या लिखना आपको इसमें, बदलता रहता है, बदलता आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा खालिस्तान दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से, दूसरे में क्या पूछा है, साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए खालिस्तान खाता बनाया जाता है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, लाभ हानि वितरण, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना होगा लाभ हानि वितरण, आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। उसके बाद तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के खालिस्तान पर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर विक्रय, क्या लिखना है आपको, तीसरे में आपको विक्रय लिखना है। उसके बाद चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, जीवन बीमा संचय कोष को खालिस्तान के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साझेदारों, क्या लिखना होगा इसमें आपको, यहाँ पर साझेदारों, आपको यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर पांचवा खालिस्तान देगा, फर्म के विघटन पर सर्वोत्तम खालिस्तान दायित्वों को भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, बाहरी, क्या लिखना आपको, बाहरी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, छठा वाला दिया हुआ है, छठे का आप आंसर लगा लीजिएगा डायरेक्ट, छठे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठे में जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर पुस्तकी, क्या लिखना है आपको इसमें, पुस्तकी लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से पुस्तकी, आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन तीन, सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ, पहले में आपको लगाना होगा यहाँ पर ग वाला, उसके बाद दूसरे में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है दूसरे में आपको, फा वाला लगाना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे में आपको लगाना है, तीसरे में आपको सा वाला लगाना है, और उसके बाद चौथे में आपको लगाना होगा यहाँ पर आ वाला। उसके बाद जो हमारा दिया है पांचवा, पांचवें में आपको ब वाला लगाना है। उसके बाद छठे में आपको लगाना होगा यहाँ पर कौन सा लगाना, ई वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला बचा है, इसमें हमारा दा वाला लगाना है। अच्छे से यहाँ पर सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन फोर दिया है, क्वेश्चन फोर में आपको सत्य और असत्य बताना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सत्य और असत्य बताना है, क्या सत्य और असत्य आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, जो पहला दिया हमारा, जो हमारा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा पर सत्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा चौथा दिया, चौथा आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट वाला जी दिया पर, ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा और याद कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन पाँच दिया है, एक वाक्य के मुत्तल लिखिए, ये आपकी परीक्षा में कितने, यहाँ पर सात नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो मैं आपको इनके आंसर भी अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि पहला आपका दिया है, इसमें आपको लगा लीजिएगा, पहले में आपको 6% लगाना है, 6% आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा, साझेदार के वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने की प्रवृत्ति कीजिएगा या लिखिए। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है दूसरे में आपको,
दूसरे में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर लाभ। क्या लिखना है आपको, तीसरे में आपको लाभ लिखना है। उसके बाद जो हमारा चौथा दिया है, चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा। क्या लिखना है चौथे में आपको, चौथे में आपको साझेदारी का पुनर्गठन। क्या लिखना है आपको इसमें, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर साझेदारी का पुनर्गठन आपको इसमें चौथे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देगा, निवृत्त साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। तो यहाँ पर पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवी में आपको क्या करना है, ठीक है। जो हमारा पांचवा दिया है इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा वार्षिक उच्चांत खाता। क्या लिखना है इसमें आपको, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, वार्षिकी उच्चांत खाता आपको यहाँ पर पांचवे का आंसर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दिया छेटा, छेटे में क्या पूछा, फर्म के समापन पर अवतरित लाभों एवं संचयों का हस्तांतरण किसे किस खाते में किया जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, जो हमारा छेटा दिया इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, छेटे में आपका हो जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता। क्या लिखना है इसमें आपको, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, साझेदारों का पूंजी खाता आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर छठे क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सातवा क्वेश्चन लिखेगा, कौन सा खाता फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा वसूली खाता, कौन सा वसूली खाता आपको लिखना होगा इसमें सातवें क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर दो दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखा, साझेदारी से क्या आशय, अतः क्वेश्चन है बना साझेदारी संलेख से क्या आशय है, ठीक है। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। सातवें क्वेश्चन लेगा, लाभ की गारंटी से क्या आशय, अतः क्वेश्चन लेगा लाभ हानि विनियोग खाते से क्या आशय है। अब यहाँ पर देख लिया अगला क्वेश्चन दिया हमारा, सातवें क्वेश्चन लेगा, आठवें क्वेश्चन हमारा दिया है, नौवां क्वेश्चन आपका दिया है, दसवां, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा, पंद्रहवा, सोलहवा क्वेश्चन देख लेगा, सत्रहवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। उसके बाद अठारह क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अठारहवे के बाद उन्नीसवा, उन्नीसवे के बाद बीसवा, बीसवे के बाद यहाँ पर हमारा इक्कीसवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इक्कीस क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बाईस क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाईसवें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमारा तेईस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, क्वेश्चन छः से लेकर आपके तेईस तक के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी और आप सभी को पता होगा कहां पर मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और आपको क्या करना है, यहां पर इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों का शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम यहां पर बहुत सारी यहां पर मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, सॉल्यूशन निकालने में, पेपर लाने में। तो आपका क्या करना है, बस एक लाइक कर देना है, ठीक है। तो कर दीजिएगा फटाफट, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ना पैसे लगते हैं और ना आपको कोई पैसे देने हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।